नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछु मु चिन्मय प्रथमे हेडलाइन्स कमिथिले भी डराउछि संक्रमण राज्य रे आज 6998 पॉजिटिव चिन्हट खोर्धारु सर्वाधिक 919 पछक रहिछि कटक एपटे बढुछि मृत्यु संख्या आ 12 मुंडला महामारी राज्य रे भयंकर स्थिति रे कोरोना आज संध्या सुधा राज्य सरकार ने परंती बड़ निष्पत्ति एपटे ट्विन सिटी चिंता रैपिड रेस्पोंस टीम संख्या बढ़ाइला बीएमसी 67 वार्ड पाई 67 आरआरटी दियो जानबाली एसआई चिंगुड़ी माछ 5000 लाच मागिबा घटना एसआई हरेकृष्ण पाढ़ी को निलंबन कले भद्रक एसपी सोशल मीडिया रे ऑडियो वायरल पर कार्यानुष्ठान बलांगीर रे मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना स्कूटी सह ट्रक मुहांमुही धक्का घटनास्थल रे दुई युवक मृत ट्रक को जबत करी टाउन पुलिस रो तदंत जारी हारिला हैदराबाद 7 विकेट रे विजयी हला धोनी बाहिनी चेन्नई पॉइंट टेबल शेषरे आईपीएल रो येलो आर्मी शेषरे बुला पशुं बंधु कलिंग युवसेना राजधानी गली कंदी बुली गाई गोरु कुकुर माकड़ को जोगाउछंती खाद्य चिकित्सा संगठन रे 200 स्वेच्छासेवी नियोजित हो एतर संपूर्ण खबर स्कूटी ट्रक मुहांमुही धक्का हेबा फल चलीगला दुई जीवन बलांगीर सहर मध्यरे थिबा दुर्गा मंदिर सम्मुखरे मर्मन्तुद दुर्घटना दुई युवक स्कूटी में संबलपुर रोड पटु आसुथिबा बेले विपरीत दिगरु एक ट्रक सह धक्का होइथिला फल स्कूटी में थिबा दुई जन ट्रक चक्का तले चापी होइ जाइथिले मृतक लारकीपालीर अभिषेक कुंभार और सेवक नाग बोली जनापड़ी खबर पाई टाउन थाना पुलिस पहुंची शव जबत कर व्यवच्छेद पठाई और संपृक्त ट्रक को जबत कर अधिक तदंत जारी रखी जानबाली एसआई चिंगुड़ी माछ 5000 लांच मागिबा घटना एसआई हरेकृष्ण पाढ़ी को कार्यरु निलंबन कले भद्रक एसपी चरण सिंह मीणा चांदबाली थाना एसआई जणे अभियुक्त को खसाई देबा सह तार ना काटि देबा को मोटा अंकर अर्थ और चिंगुड़ी माछ मागुथिले एमिति रोचक ऑडियो चांदबाली रे मोबाइल रु मोबाइल घरु घुरी बुलुछि ऑडियो टी किछि दिन तळर बोली चर्चा होउछि तबे ऑडियो वायरल परे विभिन्न महलरु कार्यानुष्ठान पई दाबी होउथिला जोंथि लागि आज एक्शन नैछन्ति भद्रक एसपी राज्य में बढ़ुछि दैनिक कोरोना मृत्यु संख्या आज आउ 12 मुंड नेछि महामारी सेपरि राज्य में आज 6998 कोरोना आक्रांत चिन्हट होइछन्ते खोर्धा जिलारु सर्वाधिक 919 पॉजिटिव चिन्हट होइछन्ते सेपरि कटकरु 570 सुंदरगढ़ 474 नुआपड़ारु 420 अनुगुल 325 आक्रांत चिन्हट होइछन्ते बालेश्वरु 97 बरगड़ रहिछि 330 भद्रक 91 बलांगीर 236 गजपति 121 आक्रांत चिन्हट होइछन्ते गंजामरु 128 जगतसिंहपुर 104 जाजपुर 226 झारसुगुड़ा 396 आक्रांत चिन्हट होइछन्ते कलाहांडीरु 292 केन्दुझर 160 मयूरभंज 308 नवरंगपुर 255 नयागढ़ 121 नुआपड़ा 420 पूरी 288 रायगढ़ 181 संबलपुर 323 सोनपुर 131 आक्रांत चिन्हट होइछन्ते राजधानी भुवनेश्वर में बढ़ुछि संक्रमण यहाँ दृष्टि रखी रैपिड रेस्पन्स टीम संख्या वृद्धि कला बीएमसी 67 वार्ड पाई 67 आरआरटी नियोजित होइछन्ते पूर्वरु एही संख्या 39 रे सीमित थिला प्रति टीम रे जणे डाक्टर ओ जणे स्वास्थ्यकर्मी शामिल होइछन्ते एही टीम गृह संगरोध रे बा होम आइसोलेशन रे थिबा संक्रमितक निकट को जाई स्वास्थ्य परीक्षा स्वास्थ्यगत तथ्य संग्रह सह परामर्श ओ औषध बंटन करिवे सेहिबळी बीएमसी रो 3टी जोन रे 3 जण लेखाय स्वतंत्र मेडिकल ऑफिसर निजुक्त होइछन्ते ऑनलाइन रे लोकंक समस्यार समाधान दिगरे एमाने सहायक हेबे भुवनेश्वर रे गोष्ठी संक्रमण होइथिबा जणा पडिबा परे एनफोर्समेंट को त्वरित करबा सह प्रतिकार व्यवस्था उपरे गुरुत्व दिया जाइछि
राज्य में भयंकर स्थिति रे कोरोना विशेषकर ट्विन सिटी रे गोष्ठी संक्रमण स्थिति राज्य सरकार को चिंता बढ़ाई दृष्टि रखी आज राज्य सरकार किसी बड़ पदक्षेप नहीं पारती कटकणा बढ़ावा को सरकारी स्तर में जोरदार प्रस्तुति चली आज संध्या सुधा किसी बड़ निष्पत्ति निपे आजिठ संबलपुर दुकान बजार खोलिबा समय बदलिला सकाळ 7टा रो मध्यान 2टा जाय दुकान बजार खोलिब एने संबलपुर जिला प्रशासन तरफ सिटीजन कनेक्ट प्रोग्राम माध्यम रे सहरर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ओ मर्चेंट एसोसिएशन सह आलोचना करी निष्पत्ति निया जायछि। कोविड समय रे विभिन्न दुकान सह व्यावसायिक प्रतिष्ठान रे भिड़ को नियंत्रण करा जिवो एहि पदक्षेप निया जायछि। तबे बैठक रे अतिरिक्त जिलापाल महानगर निगम कमिश्नर उप कमिश्नर का समेत बहु व्यवसायी उपस्थित थिले। कटक एसीबी मेडिकल रु गिरफ हेले चारिजण दलाल चारि दलाल मानंकु गिरफ करिछि मंगलाबाग पुलिस। एसीबी को चिकित्सा पय आसुथिबा रोगींकु भल ओ उत्तम चिकित्सार प्रलोभन देखाई घरोई हॉस्पिटल को पठाउथिले एही चारि दलाल। चारि दलाल हेउछन्ती उपेन्द्र मल्लिक, रंजन सिंह, मनेन्द्र नायक ओ भगवान साहू। एमाने काजुअलिटी रे थिबा निरीह दूर दूरांतरु आसुथिबा रोगींकु टार्गेट करुथिले। मंगलाबाग पुलिस पेट्रोलिंग समय रे खबर पाए एमानंकु धरिथिला। दलाल मानंकु गिरफ करी कोर्ट चालान करा जायछि। तबे कमिश्नरेट पुलिस किछि दिन पूर्वरु कटक एसीबी मेडिकल को दलाल मुक्त करबा पई स्वतंत्र ड्राइव आरंभ करथिला। देशर ऑक्सीजन संकट दूर करने मोदी सरकार का बड़ पदक्षेप। पीएम केयर फंड रु 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर किणवा को मंजूरी प्रदान कर प्रधानमंत्री मोदी अध्यक्षतार होता उच्चस्तरीय बैठक में निष्पत्ति। पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर शीघ्र किणि राज्य सरकार गुड़ी जोगाइबा को निर्देश देते प्रधानमंत्री। यासह पूर्व पीएम केयर फंड रु स्वीकृत 713 पीएसए प्लांट छड़ा 500 नुआ ऑक्सीजन प्लांट को मंजूरी प्रदान करा जायछि। एही ऑक्सीजन प्लांट जिला मुख्यालय एवं टियर 2 शहरर हॉस्पिटल गुड़ी करे स्थापन करा जिवो। एहा द्वारा टियर 2 शहर गुड़ी करे ऑक्सीजन रो आवश्यकता को पूर्ण करा जाय परिवो। सेपटे प्रधानमंत्री निष्पत्ति को स्वागत करछन्ती केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। पीएम केयर फंड रु 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर क्रय करिबा सह अतिरिक्त 500 पीएस ऑक्सीजन प्लांट प्रतिष्ठा करिबा को मंजूर देछन्ती। देशर समस्त जिला मुख्यालय तथा टायर 200 शहर एवं अधिक कोरोना संक्रमित राज्यगुड़िक तरल मेडिकल ऑक्सीजन जोगाण को वृद्धि करने पीओसी क्रय एवं पीएसए ऑक्सीजन प्लांट यथाशीघ्र प्रतिष्ठा करने निर्देश देथिबारु प्रधानमंत्री को धन्यवाद जणाइछन्ती केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सह फोन जगे कथा हेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एही खराब समय रे रूसिया भारत सह ठिया होईछि। कोविड मुकाबला दिगरे भारत को समस्त प्रकार सहयोग करबा नै राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को प्रतिश्रुति देइछन्ती। सेहिपरि सहयोग रो हाथ बढ़ाई थिबारु राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को धन्यवाद जणाइछन्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जरूरीकालीन व्यवहार पई स्पुटनिक वी को भारत रे मंजूरी प्रदान करिथिबारु प्रधानमंत्री मोदी को प्रशंसा करिछन्ती रूस राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ एथिप्रति उत्तर रे कहिथिले स्पुटनिक वी वैक्सीन रे आम सहयोग एही महामारी समय रे मानव जाति को सहयोग करिवो। पॉजिटिव का संख्या बढ़िबा सह राज्य रे स्वास्थ्य अवस्थार असल चित्र सामना को आसुछि। गतकाली मध्य आमे ए संपर्कित खबर देखाइथिलु। आजि मध्य आस्का एमकेसीजी भली स्थानरु चिकित्सा अवहेलार दृश्य आसुछि जेंठे साधारण जनता ओडिसा रो चिकित्सा व्यवस्था उपरे संगेन अभियोग आनिछन्ते। कोविड काल रे केमिति अछि राज्य रे स्वास्थ्य अवस्था सामना को आसुछि गोटिए परे गोटिए अवहेलार चित्र। प्रथमे देखंतु एमकेसीजी रो दृश्य। ऑक्सीजन को नहीं असहाय रोगी और सेमानंक संपर्कीय किए चट्टाण से पड़ी किए बचाक संघर्ष ऑक्सीजन रो अभाव भितर जमी भगवान भरोसार रोगी। मंगलवार दिन 10:00 to 10:30 मध्य दृश्य जड़े महिला निज भाई किभली ऑक्सीजन काकुति मिनती कर देखु जहाँ से निज फेसबुक आईडी रे लाइव करते लगे
पेशेंट मरजियो बड़े पेशेंट मरजियो जो मैंने देखुंती हूँ एम के सी जी मेडिकल जो मैं पाखे अक्सीजेन एक्सट्रा अच्छी घर किसी कम दौन प्लीज धरिकी आसतु इमिडियेटली धरिकी आसतु एवं देखु आस्कार दृश्य 30-40 मिनट धरी मेडिकल आगे अटकिले आंबुलांस किंतु भितर को जापरलानी आई समय भिडियो जितेबाला सिक्युरीटी सह रोगी संपर्कों जुक्तितर्क होता यह बाबनपुर कोविड हस्पिटाल सेमानक अभियोग भितर को न छाड़ डेरी रे डाक्तर देखिले एपरिकी डाक्तर मध्य विलंबर आसीथिबारु तांकर मृत्यु हैला सकाळ टिके निश्वास प्रश्वास टिके कम हैला तापरे मुंड बिंदुचेलि कहले तापरे तांके निजे निजे चालिके गले मेडिकल फोर मेडिकल गले कार रे बसि बड़ा मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल तापरे तापरे जे कहला जदि निश्वास कमु चेलि कहले गोटे काम करंतु हमर त किछ तार ये नाही आ ये नै बाबनपुर नै जान तांके सिबाई वाली आते बाबनपुर धरी गले अच्छा तापरे तापरे से गेट पाकर या तांकर ये वाला डेट वाला ओहो प्राय केते समय अपेक्षा करे पड़ले गेट पाकर प्राय अर्ध घंटा पाका पाकी जोगिलु हां अर्ध घंटा जोगिले पर भी हमके रिस्पांस देलेनी के देखिया को भी आसिलेनी अच्छा अच्छा ते वॉचमैन भी के देखिया को आसिलेनी के डॉक्टर भी आसिलेनी हां 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 जा दरे के हमर एमटी सब हो गला से गंजाम हिंजेलिकाट उपखंड चिकित्सालय चिकित्सा अवहेलार अभियोग कोविड रिपोर्ट मागी चिकित्सा डेरी कले डाक्तर हिंजेलिकाट कोविड केयर सेंटर रे रोगी रिपोर्ट नेगेटिव आसीथिला तेबे रोगी संपर्कों अभियोग रिपोर्ट नेगेटिव कथा मौखिक भाव में कहते रिपोर्ट केमिति आनी थांतु डॉक्टर देखिबा पूर्व प्रथम कोविड टेस्ट करती कोविड टेस्ट कला वर्तमान नेगेटिव रिपोर्ट मौखिक भाव कहीदे कि पठाईदे ये आसला ऑक्सीजन लगे मुझे रिक्वेस्ट होकर बर्तमान सार पांचटू गाँव रू आंबुलांस जो आसे ये बर्तमान 6:45 रे पहुँचल सार 6:45 पर आम बर्तमान डॉक्टर को बहुत नेउरा सार बुझे मुझे सार सालाइन दिखुद पेसेंट बची सर सालाइन बोले ना तार कोविड रिपोर्ट सार कोविड रिपोर्ट नेगेटिव नेगेटिव रिपोर्ट ये आसला भितर सी पेसेंट डेड पेसेंटर कंडीशन बहुत सीरीयस था से गैसपिंग स्टेज था कि अक्सीजेन लगे भितर ही तार डेथ से आसवर गोटे 15 to 20 मिनट हे 20 मिनट हे आम कौन कलु मैंने जो पेसेंट कहलु कि आप जब टेस्ट करना मेडिकल को जाते पुर्णा मेडिकल जाइए टेस्ट कर आम कहलु जब टेस्ट कर रिपोर्ट आनतु कहूँ आम ऑक्सीजन लगे ट्रीटमेंट चली कंटिन्यू चलती आसा भितर मैंने रिपोर्ट धरिक आसती आसवर गोटे 2-3 मिनट भितर तार डेथ ना किसी अबला ना आ रही किसी 1% भी अबला ना 1% भी अबला ना आम डेडिकेटली ड्यूटी करें देखु बलांगीर पटनागढ़ दृश्य कोरोना भय से शब बुहा सैकेल पीपी किट पिंधि बापार शब को सैकेल बोहिला पुओ ओडियापाली पंचायत भाली डुंगुरी गाँव में दृश्य को नहीं एवं चर्चा आज संकट भितर साधारण जनता भयभीत न होबार आवश्यकता रही यार भितर मानविकता न भूलिबा दरकार सेपटे राज्य सरकार केवल कथार नुहे ग्राउंड जीरो लोकों कथा बुझा दरकार ब्रह्मपुर पीतांबर नाहकों सह पटनागढ़ सदाशिव सराप रिपोर्ट अर्गस न्यूज राज्य आसंता 5 दिन कालबैशाखी संभावना आसंता 24 घंटा मध्य घड़घड़ी सह वर्षा नहीं 10 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछे पानीपाग केन्द्र से ही जिलागुड़ी है केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर कोरापुट नवरंगपुर गजपति कंधमाल रायगड़ा यह समय 30-40 किलोमीटर बेगर पवन बहार संभावना रही है सेपरे 29-30 तारीख मध्य केन्दुझर मयूरभंज मलकानगिरी कोरापुट रायगड़ा गजपति और कंधमाल गोटे दुईट स्थान में कालबैशाखी सह बिजुली घड़घड़ी मारिबार संभावना रही है उक्त जिलागुड़ी भी येलो वार्निंग जारी कर मे 1 तारीख मध्य 14 जिले में कालबैशाखी संभावना रही है आंचलिक पानीपाग केन्द्र पक्षर् सूचना दिया जाए आसपा खेल संपर्कित खबर को ऋतुराज गायकवाड और फाफ डुप्लेसिस दमदार बैटिंग बल में चेन्नई सुपर किंग्स 7 विकेट रे सनराइजर्स हैदराबाद को परास्त कर विजय सह चेन्नई सुपर किंग्स पुणी थे आईपीएल पॉइंट टेबुल शीर्ष स्थान कब्जा कर चलित आईपीएल हैदराबाद पंचम पराजय सह शेष स्थान में रही है चलित आईपीएल प्रथम थर लगी दिल्लीर फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में खेला जा मैच में प्रथम बैटिंग हैदराबाद प्रथम बैटिंग कर 3 विकेट में 171 रन करु लक्ष्य को चेन्नई सहजे हासिल कर चेन्नई मात्र 18.3 ओवर में 3 विकेट हर विजय हासिल कर
बुला पशुपक्षी मानंकु खाद्य जल संग को चिकित्सा पई राजधानी रे गढ़ी उठिछि कलिंग युवसेना रंगमाटी और पटियाठारे एही संगठन दुईटी आश्रय शिविर खोली बुला गाईगोरु कुकुर मांकड़ मानंकु सम्मान और जीवन दायित्व नेछन्ते। छह सात जन स्वेच्छासेवी को नहीं आरंभ होइथिबा एही संगठन रे एबे 200 स्वेच्छासेवी नियोजित अछन्ते। राजधानी भुवनेश्वर बुला गाईगोरु कुकुर और मांकड़ मानक विपद बेलर बंधु पलटि कलिंग युवसेना नामर एक सामाजिक संगठन। यह संगठन महामारी समय पशुपक्षी खाद्य जल और चिकित्सार दायित्व नहीं होता निष्ठुरतार विरोध करने लक्ष्य यह संगठन तीन वर्ष ते मात्र 6-7 जन स्वेच्छासेवी को नहीं कार्य आरंभ कर जोड़ी होती 200 स्वेच्छासेवी सहर जेउटी पशुपक्षी मानक असहायतार खबर आसे सेठारे पहुंची सेवा जोगाई दिया थे बोली कहते संगठन प्रतिष्ठा सदस्य चंद्रशेखर दास। संगठन टे तीन वर्ष हलानी तैयारी हलानी तो आगुरु 5-7 वर्ष धरी काम करी आसुचु किंतु संगठन टे तीन वर्ष हलानी संगठन लक्ष्य हला कोनोसी पशुपक्षी को केही क्रुएल्टी ऊपर जेतोले तांको ऊपर अत्याचार होउची ताको आमे विरोध करिवु सदा सर्वदा विरोध करी आसीचु आगू मते विरोध करिवु एवं प्रतिटि पशुपक्षी को समस्त निजर भावली भावंतु आउ ए समाज रे समस्तंकर अधिकार अछि बंचिवार तो आमे मनुष्य माने जेंदि बंचिवा को अछि सेमान भी सेंदि बंचिवार अधिकार संपूर्ण अछि। आमे जोठी राजा रास्ता रे जोठी फोन कॉल आसे आम कलिंग युवसेनार ऑफिशियल नंबर को आमे सेठी जाई पहुंचि कि तार फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करू तापर आमर निजर शेल्टर हाउस को आनी कि ताकु पूरा ऑब्जर्वेशन रे रखी तार संपूर्ण दायित्व नै खाद्य टू आरंभ करी मेडिसिन टू आरंभ करी डॉक्टर समस्तंकर पूरा दायित्व पटिया अंचलर आजबेस्ट घरे चली कलिंग युवसेनार अफिस एठारे गोटे कोणरे जमा हो रही पाड़कुटा पाणिकुंड आश्रय नेइछन्ति असुस्थ गाईगोरु। सहर रे केउटी पशुपक्षी दुर्घटना खबर पाइले संगठन सदस्य मैंने घटनास्थल पहुंची चिकित्सा सेवा जोगे एभली सहायता पाई संगठन गोटे भ्राम्यमान गाड़ी जोगाड़ कर सदस्य मानक प्राथमिक चिकित्सा तालीम दि जाए समस्त बंचार अधिकार अच्छे तेणु आम असहाय जीवजंतु को चिकित्सापी विशेष आग्रह रखी संगठन। खरा दिन को दृष्टि रखी कलिंग युवसेना सहर 200 सीमेंट कुंड में जलदान व्यवस्था कर संगठन पक्षर शिकरचंडी अंचल मांकड़ मानक नियमित तरबुज प्रदान करुकुर और गाईगोरु मानक अन्न्य खाद्य दिया कहते संगठन स्वेच्छासेवी राजेश बारी। राजेश कहती जे विगत 3 वर्ष मध्य गुरुतर अनेक गाई गोरु को एठारे आश्रय और चिकित्सा सेवा जोगे दिया जाए छी। बर्तमान सटडाउन होता आम कलिंग युवसेना तरफ रु बहुत पाणिकुंड नहीं 200 रु ऊर्ध भुवनेश्वर सारा नहीं कि रखिथिलु जमीती कि कौनसी जीवजंतु शोषे न मरतु से आम सदस्य मैंने सदा जाग्रत अच्छा चढ़ई मानी सब गच्छ मानक आम जो मटीर पात्र रखीचु से जल दौचु ताकि कौनसी पक्षी जल अभाव न मरतु माकड़ मान प्रति आम शिकरचंडी मुंडिया जाइलु से बहुत सारा माकड़ अनाहार बसते फलमूल नहीं जाइलु एवं कुकुर मानक जाइलु से गाईगोरु मान भी जाइलु युवपीढ़ी मैंने प्रति निज तरफ आगे आसवा दरकार से आम सर्वदा समस्त कही था बहुत मध्य आम तरफ मिशुंट आम सहित सरकारी सुविधा मिलने आम आहरी अनेक कम करूँ आम एरिया छड़ा अलग जगह मध्य गो सेवा करि परिबु। व्यस्त बहुल जीवन में अधिकांश निज स्वार्थ को प्राथमिकता देउथा बेले संगठन गढ़ी बुला गाई गोरु और अन्य पशुपक्षी को सेवा देउथवा एई स्वेच्छासेवी माने निश्चित आम सभी को पाई प्रेरणार उत्स। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन रवि नारायण जेना सहित चिन्मय साहू को रिपोर्ट अर्गस न्यूज। घर भितरे निजको सीमित रखुथिबा महिला एबे उत्पादक दल गढ़ी निज आर्थिक स्थिति रे ढेर परिवर्तन आनिछि। आ बालेश्वर सदर ब्लॉक कसिपदा पंचायत रे एभली भावे संगठित होइछंती 3000 महिला महु चाष छतु चाष ठारु आरंभ करी छोट कंडेई टेराकोटा जाए नाना काम करी एबे जणे महिला मासकु 2000 रु अधिक टंकार अतिरिक्त आय पाइबारे सक्षम होइछि। झोटरे तयारी चली भली के भली उत्पाद तयारी रे नियोजित अछंती बालेश्वर सदर ब्लॉक कसीपदा पंचायत रो एक उत्पादक दल किए झोटरे कंढे तयारी करुछंती तो किए पेन स्टैंड रे देउछंती शेष स्पर्श मोबाइल स्टैंड थरु आरंभ करी जोता चप्पल पापोछो और फुलदानी जाए तयारी करुछंती ए दल।
ଏଭଳି କାମ କରି ଜଣେ ଜଣେ ମହିଳା ମାସକୁ 2-3 ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଦଳର ଜଣେ ସ୍ୱରୋଜଗାରୀ ଦମୟନ୍ତୀ ପରିଡ଼ା। ପଞ୍ଚାୟତରେ 3 ହଜାର ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ମୀରାବାଇ ମହାସଂଘର ପ୍ରୟାସରେ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦକ ଦଳ ଗଢ଼ି ଏଭଳି ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ କାମ ଚାଲିଥିବା ଦମୟନ୍ତୀ କହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଛୋଟରେ ମିନତୀ ମାଙ୍କ ଏମସିଏମ୍ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଆଜି 4-5 ମାସ ଧରି ଆମକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଝୋଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ କରୁଛୁ, ଜୋତା ହେଉଛି, ପାପୁଚ, ପେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ବୋତଲରେ ସବୁ ଫୁଲଦାନୀ ସବୁ କରୁଛୁ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ କରିକି ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛୁ। ଆମେ କରୁଛୁ, ଏମିତି ଆମେ ସମୟ ବେକାର କରୁଥିଲୁ, ଆମେ ଟି ଭି ଦେଖୁଛେ, ତା ସହିତ ବି ଆମେ ବୁଣାବୁଣି କରିକି ଝୋଟରେ ସବୁ କାମ କରିକି ପରିବାର ଚଳେଇପାରୁଛୁ। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ମହାସଂଘରେ 3 ହଜାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଜି ତିଆରି କରୁଛୁ। 4-5 ଜଣ ମେମ୍ବର ହେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଜି କରିଛୁ, ସେଥିରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ମହୁ କରିଛୁ, ଆଉ ମାଛ ଚାଷ ବି କରିଛୁ, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ବି କରିଛୁ। ଆଗରୁ ସ୍ଥିତି ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା, ଏବେ ଆମେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇପାରୁଛୁ, ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ବି ହେଇପାରୁଛୁ। ମାସକୁ ପ୍ରାୟ 1,500-2,000 ଟଙ୍କା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମେମ୍ବର ପାଇପାରୁଛୁ। ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସାଯାଇଛି ଏକାଧିକ ମହୁ ବାକ୍ସ, ବାକ୍ସରେ ସଞ୍ଚିତ ହେବାର ଲାଗିଛି ମହୁ। ଫେଣାଗୁଡ଼ିକୁ ବକ୍ସରୁ ବାହାର କରି କିଭଳି ନିଷ୍କାସନ ହେବ ତାର କୌଶଳ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଗୋଷ୍ଠୀ। ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ୟାପ୍ ପିନ୍ଧି ମହୁ ଫେଣା ସଂଗ୍ରହଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହୁ ନିଷ୍କାସନ ଯାଏଁ ସବୁ କାମରେ ଏମାନେ ସିଧ ଅସ୍ତ। ମହୁ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସରଞ୍ଜାମ ମଧ୍ୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କିଣାଯାଇଛି। ମହୁ ଚାଷ ସହିତ 22 ଜଣିଆ ଏହି ଉତ୍ପାଦକ ଦଳ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଓ ମାଛ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଖୋଲା ପରିବେଶରେ ବୁଲି କୁକୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ବେଶ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାଛର ଆକାର ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ ଧରାଯିବ। ମାଛ, ମହୁ ଓ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନରୁ ଜୀବିକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସାୟୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ମାସିକ 2-3 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ ଯୋଗାଡ଼ରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଦଳର ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ସଦସ୍ୟ ବାସନ୍ତୀ ଦାସ। ଓ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି 9ଟି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ୍ ଜରିଆରେ 1500 ମହିଳା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୀରାବାଇ ମହାସଂଘର ସଭାପତି। ଟେରାକୋଟା ଜରିଆରେ ମହିଳା ଉତ୍ପାଦକମାନେ ବେଶ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। 6 ମାସ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲୁ ମାଟି କାମ ପାଇଁ, ହାତ କାମ ପାଇଁ, ଆଉ ଟ୍ରେନିଂ ହେଲା ପରେ ପଇସା କିଛି ପାଇଛୁ, ପଇସା କିଛି ପାଇ ଆଉ କୁମ୍ପି ତିଆରି କରୁଛୁ ସେଥିରେ। ତାପରେ ଚକ KBS ତରଫରୁ ଚକ ମିଳିଛି, ସେଥିରେ ବି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲୁ, ଟ୍ରେନିଂରେ ବି ଆମେ ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଛୁ। ମାସକୁ ତେବେ ବି ଆମେ 2,000-3,000 ଏମିତିକା ନିଜେ ନିଜେ ଇନକମ୍ କରୁଛି, ଆଉ କାହାରି ବି ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆମର ମହାସଂଘର ରହିଛି ଆମର 9ଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ୍। ଏଇ 9ଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ୍ର 3ଟା ଛତୁ ଅଛି, 3ଟା ପତ୍ରଦନା, ଟେରାକଟା, ମହୁ, ମହୁ ସାଙ୍ଗକୁ ମିକ୍ସ କରିକି ମାଛ ମଧ୍ୟ ରଖାହେଇଛି। କାହିଁକିନା ମହୁର ଯଦି କିଛି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେବ ତ ସେମାନେ ମାଛ ଉପରେ ବି ନିର୍ଭର କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆମର ମେକ୍ରମ୍ ବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ମେକ୍ରମ୍ରେ ବି ଆମର 37ଟା ଅର୍ମାସ ତରଫରୁ ଆମର ଯାଇସାରିଲାଣି ଷ୍ଟଲ୍ ନେଇକି, ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ପାଇଁ ଆମର ଯାଇପାରୁନି, ଏମିତି ପାଖଆଖରେ ଯାଉଛି। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ନେଟ୍ର ଯେଉଁ ଇଏ ରହିଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ବି ଆମର ଛଡ଼ା ହେଇଛି, ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଟେରାକଟାକୁ ଆମର ବି ଛାଡ଼ିଛୁ, ସେଠି ବିକ୍ରି କେମିତି ହେଇପାରିବ। ତ ଏଇସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଚାଲିଛି। ଆମର ଯେତିକି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିସାରିଲୁଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ରହିଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ୍ 2-3ଟା ହେବାର ଅଛି। ଯେତିକି ଆମର 1500 ପାଖାପାଖି ମହିଳା ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇସାରିଲେଣି, ସ୍ୱାମୀ କାନ୍ଥ ସାଙ୍ଗରେ କାନ୍ଥ ମିଶିକି ଚାଲିଲେଣି, ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଗୋଡ଼ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ସଂଘର ମିଶାଇ ତାଙ୍କୁ ବି ନିଜ ଗୋଡ଼ ନିଜେ ଠିଆ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଫଳରେ ଗାଁ ମହିଳାଙ୍କ ଆୟ ଓ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏକ ବିକାଶର ପ୍ରତିଫଳନ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାଳିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମସ୍ତ ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।